बहुत बड़ी सफलता मिली है ये फेक करेंसी के केसों में। इसका केंद्र बिंदु जामनगर शहर रहा है, जिसमें के मेन जो पुलिस वर्क है, पुलिस का काम क्या है कि ऑब्जर्वेशन, बातमीदार और सही कांटेक्ट और उसके ऊपर वॉच रखना। एक लड़का अल्ताफ पिंजारा जामनगर शहर में अभी ऑटो रिक्शा चलाता है। थोड़ा टाइम पहले ये बंगार का धंधा करता था, लेकिन ऑटो रिक्शा चलाते चलाते किसी ने इसको ऑब्जर्व किया कि ये 500 रुपए का नया नोट, कुछ भी परचेज करना हो, साबुन, सिगरेट, बीड़ी, कुछ परचेज करना है तो ये नया नोट 500 रुपए का दे रहा है। ये बात पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने इस पे वॉच रखा और इसको फिर उठाया। जैसे ही इसको उठाया, इसके घर पे गए तो वहां तीन आदमी और थे। वो तीन आदमियों के नाम थे शोएब, सलीम और रहीम। जब उनको चेक किया तो उनके पास से 1,76,000 जितनी फेक करेंसी मिली। फिर जो शोएब है मेन, इसके अंदर जो शोएब है वो मेन आदमी था, तो शोएब ने बताया, हमने पूछा भी ये फेक करेंसी आप लाए कैसे, तो उन्होंने फिर बताया कि एक लड़की है सलमा उर्फे माया, उसका नाम है, ये वाकानेर में रहती है। ये लड़की ने भाई उनको नोट दिए हैं, शी इज द बेसिकली कॉन्टेक्ट जो डिलीवरी करती है फेक करेंसी की। ये लड़की को पुलिस ने फिर उठा लिया, और उठाया कैसे कि इसको ट्रैप किया गया। लड़की को ये कहा, ये शोएब को ये कहा गया कि लड़की को बोलो कि हमको पैसे और चाहिए, तो लड़की पैसे लेकर जामनगर रेलवे स्टेशन तक आई, जहां पुलिस ने उसको फिर दबोच लिया। उसके पास से उस टाइम 3 लाख रुपया फेक करेंसी हमको और मिली। ये लड़की ने फिर बताया कि एक आदमी ऑलरेडी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है, पोरबंदर, व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, पोरबंदर हावड़ा एक्सप्रेस, उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ है, वो पैसा लेके आ रहा है। इस लड़की के साथ कांस्टेंट पुलिस हमारी साथ थी और उसके साथ बातचीत करते रहे हम, और आते आते उस आदमी को ध्रोल के पास फिर ट्रैप कर लिया गया। उस आदमी के पास से हमको फिर 14 लाख जितना फेक करेंसी मिली। इस आदमी का नाम है अब्दुल रहमान, ये आदमी का नाम रहमान निकला। इस आदमी को जब पकड़ा गया तो फिर आगे हमको इसका लिंक मिला है जूनागढ़ में, जूनागढ़ का मांगरोल में। ये जो लड़की है माया, इसका हस्बैंड एक एडवोकेट है, उसका नाम है, क्या नाम, नहीं नहीं उसके हस्बैंड का नाम, अब्दुल जमाल, ये एक्चुअली एडवोकेट है, लेकिन अब्दुल जमाल जी थोड़ा टाइम पहले कुवाड़वा पुलिस स्टेशन है राजकोट शहर का, वहां इनके अकाउंट में से एक फेक करेंसी नोट मिला था, तो ये उस केस के अंदर अरेस्ट हो चुके थे और अभी बेल पे हैं। इसी का लिंक हमको कच्छ में भी मिला है, द्वारका का जो रूपेंट बंदर है वहां भी मिला है, और हमारी टीमें अभी इसको वर्कआउट कर रही हैं। टोटली हमने 4 केस दाखिल किए हैं, जिसके अंदर 14 आरोपियों को पकड़ा गया है और 12 दिन का रिमांड मिला है। इंटेरोगेशन अभी चल रही है, और इसका जो मेन लिंक फिर पीछे जाता है कि ये नोट कहां से देश के अंदर आ रहे हैं। इसको जब लिंक पीछे गया तो 2 आदमी के नाम निकले हैं, एक आदमी का नाम बाबर है और दूसरा आदमी आलम है। आलम जो आदमी है, ये लोग मालदा डिस्ट्रिक्ट में गांव है,
जो बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर पे है वहां ये लोग रहते हैं। और आलम अभी 3 महीना पहले मीरा रोड बॉम्बे का पुलिस स्टेशन है वहां ये फेक करेंसी के अंदर पकड़ा गया था, लेकिन बेल के ऊपर है और बेल जंप करके ये वहां भाग गया है। आलम बाबर उसका भाई है जो मालदा के एक शहर के पुलिस स्टेशन में डकॉयटी विद मर्डर में वांटेड है। तो मुझे जब पता चला तो आई स्पोक टू माई काउंटर पार्ट इन वेस्ट बंगाल, वहां पे हमारी टीमें भी गई हैं, वेस्ट बंगाल डीजी से भी बात हुई है और बीएसएफ के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात हुई है। तो टोटली अभी तक गुजरात पुलिस ने 26 लाख और 76,000 की फेक करेंसी सीज करी है ये सभी के सभी केसों के अंदर, और आगे हमारी कार्रवाई अभी चल रही है, हम और भी इसके अंदर पकड़ेंगे। साइड बाय साइड जो इसका नेटवर्क है वो गर्ल्स की जो सप्लाई हो रही है फॉर इलीगल एक्टिविटीज उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। अहमदाबाद एसओजी ने एक लड़की को पकड़ा था जिसके बैंक से कम 6,000 की फेक करेंसी मिली थी। वो लड़की जामनगर जाके आई थी, उस लड़की का भी हम इस केसों के अंदर पूछताछ करेंगे कि शायद हो सकता है इसका लिंक, ये जो अभी हमने पूरा राउंड अप किया शायद इसके अंदर हो सकता है। सो दो रूट्स हैं इनके पैसा भेजने के, कि एक तो वाया जो लेबर काम करते हैं, जैसे द्वारका का रूपेंद्र मंदिर है, ये सभी लोग वहां पे लेबर काम करते हैं, तो लेबरर जो ट्रेन से आते जाते हैं एक वो है, और दूसरा गर्ल्स के साथ ये जो सप्लाई कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये नोट आते कहां से हैं, तो जो वहां बीएसएफ और हमारे काउंटर पार्ट जो एसपी हैं मालदा के, उन्होंने ये बताया है कि ये नोट बेसिकली पाकिस्तान और दुबई से बांग्लादेश के अंदर सप्लाई होते हैं, जो बड़े बड़े डीलर फिर आगे सब एजेंट एजेंट वो ये दैट इज अक्रॉस द बॉर्डर लोगों के कॉन्टेक्ट में है, और ऐसे करके ये देश के अंदर और मेनली बाई ट्रेन ये जो मालदा सूरत, मालदा सूरत एक वीकली ट्रेन शुरू हुई है, फिर जो इधर हावड़ा एक्सप्रेस चलती है, पूरी एक्सप्रेस है, ये सभी ट्रेनों के अंदर जो जनरल कंपार्टमेंट है लोग उसके अंदर बैठ जाते हैं चुपचाप, और उसके अंदर ये फेक करेंसी एक शहर से दूसरे शहर के अंदर पास हो रही है। और अभी आपको कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, ये जो रैकेट चल रहा है ये लगभग 3-1 महीने से है, जब से वो आलम ने बेल जंप किया है मीरा रोड पुलिस स्टेशन के, तब से ये चल रहा है। अभी तक हमने 26 लाख रुपए पकड़े, लेकिन इसके पहले वो अभी हम पूछेंगे उनसे भी टोटल कितना लाए, कहाँ दिया है। एक दो आदमी हमारे पास राजकोट शहर के भी हैं, उनके जब रेड डाली गई है तो खाली सिर्फ हमको वो मिला है, वो वहां से सामान बहुत मिला है परचेज किया हुआ ऐसा है। ये सर जो हिम्मत नगर में भी पकड़ा था ये सभी इंटरकनेक्टेड? हिम्मत नगर का नहीं, हिम्मत नगर में भी एक कंसाइनमेंट पकड़ा गया था 26,000 का, ये रानी पुलिस स्टेशन में भी एक। हाँ रानी, तो वो हम सब अभी लिंक करेंगे इन आवर इन्वेस्टिगेशन, वी विल सी। लेकिन अभी तो ये हमारे पास 12 दिन तक रिमांड में है, उस दौरान में इनका अगर लिंक कोई बैठेगा तो विल डेफिनेटली। अहमदाबाद का वो कनेक्शन है क्या? अहमदाबाद का जो मैंने बताया वो सिर्फ एक लड़की का अभी तक निकल रहा है, लड़की एक्चुअली वो इलीगल धंधा करती है और वो जामनगर गई थी, और जामनगर वो ये जो हमारा मेन आदमी है अल्ताफ उसी का एक फ्रेंड है जिसने उसको बुलाया था। ये जो सलमान नाम की लड़की है सर, वो सिटीजनशिप इंडियन है या बांग्लादेशी? शी बेसिकली ये बांग्लादेशी, लेकिन नहीं, लेकिन वो क्या है मुस्लिम है, लेकिन स्टेज इन वांकानेर, बट ओरिजिनली फ्रॉम बंगला दैट अपना वेस्ट बंगाल। सर टेरर फंडिंग के लिए कुछ अब अभी तक तो ऐसा कुछ बाहर नहीं आया, लेकिन द पॉइंट इज के ऐसा जो इलीगल फंड, इतना इलीगल पैसा FICN आ रही है, दिस नेटवर्क कैन बी यूज फॉर एनी अदर बिगर इलीगल एक्टिविटीज। सो बहुत अच्छा है कि हमारी पुलिस ने अलर्ट रह के इसको यहीं पे दबा दिया। आवर इंफॉर्मेशन इज अराउंड अबाउट 3 months, जब से वो अल्ताफ, जब से वो लड़का वो आलम ने बेल
हाँ दैट इज दैट तो अभी हम वो अभी 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 इसके यस यस अभी पुलिस को अभी हमको पता चला है तो हम देखना ये सभी जितनी भी ट्रेनें आती हैं हमारी रेलवे पुलिस सीआईडी हमारी एसओजी हम सब चेकिंग कराएंगे और चिंता कहीं भी किसी भी रेलवे स्टेशन के ऊपर इनकी चेकिंग हम जरूर अभी हम करवाएंगे। नहीं, उसके लिए स्क्वाड हमारी एसओजी क्यूआरटी इज मेंट फॉर दिस एसओजी इन दी डिस्ट्रिक्ट्स इज मेंट फॉर दिस ऐसा नहीं ये बैंक में वो जो लड़की है अहमदाबाद की उसने किया सर उसने लगभग 5-6 हजार का वो केस है पूरा बंडल जमा करवाया ऐसा कहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं है ये कभी बैंक में नहीं जाते ये नॉर्मली क्या है कि जैसे कि साबुन लेना है तो 500 रुपए का नोट देंगे तो बाकी पैसा आ गया अगर किसी को इलीगल करेंसी चाहिए तो इट इज अराउंड अगर 1 लाख की चाहिए तो दे विल पे अराउंड 40,000 इन जेन्युइन करेंसी ऐसा है ये कैरियर जो है उनको एक ट्रिप का 10 से लेके 15,000 रुपया नहीं एंड दे विल गेट अराउंड 10 to 15,000 वो वी विल जस्ट शो यू अवर मैन इज जस्ट ऑन द वे तो इट्स वेरी 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 हाई क्वालिटी नो वेरी हाई क्वालिटी ये FSL के हमारे ऑफिसर बैठे हैं ये आपको बता देंगे इतना बड़ा प्रिंट करना इज डिफिकल्ट नो इट हैज कम फ्रॉम दैट साइड ओनली अक्रॉस द बॉर्डर बांग्लादेश फ्रॉम पाकिस्तान यस दैट इज अवर इन्फॉर्मेशन दैट इज अवर इन्फॉर्मेशन नहीं ये इसके अंदर ये जो कैरियर्स ने हमको यही बताया कि वहां से आई है नो पॉइंट इज जो भी कैरियर हमको बताते हैं दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू लुक इट इज कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश दैट यस नो आई विल बी राइटिंग टू द डीजी बीएसएफ डीजी अवर वेस्ट बंगाल आई विल बी राइटिंग टू देम इन डिटेल या कॉपी यस कॉपी तो उनको जाएगी लेटर की और कुछ नहीं 500 और 1,000 नहीं ये यही जो दो मेन आदमी है आलम और बाबर ये अक्रॉस द बॉर्डर जाते हैं वहां बॉर्डर कैसा है कि खेत है तो खेत से ये लोग मोटरसाइकिल स्कूटर लेके चले जाते हैं फिर आ जाते हैं दैट इज व्हाट इज गोइंग ऑन आधा गांव इंडिया आधा गांव बांग्लादेश इट्स लाइक दिस नहीं इन्वॉल्वमेंट दैट आई कांट से बट वी आर इन कॉन्टेक्ट विद देम डेफिनेटली वी हैव अलर्टेड देम हाँ वो तो वो जाने दो ठीक है वो तो नहीं सलमा और माया सलीमा
वो एक ही औरत है, एक स्त्री सलीमा वो अभी हम इंटरोगेशन करेंगे, आप इनके टच में रहना। नहीं नहीं तो अभी आप सलीमा मतलब सलीम नाम है क्या है? नहीं नहीं माया सलीम नाम का भी कोई पकड़ा गया है? सलीम माया सलीम सलीम तो लड़का है जो है वो अभी सर ये इंडियन मुजाहिदीन की भी एक बात आ रही थी ये वो लिंक जैसे ही हमारा बैठेगा हम आपको जरूर वो बताएंगे, लेकिन अभी अभी तक तो नहीं। देर देर यस 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 यू कैन नॉट रूल आउट या दे आर नहीं जाबिर का जो मैं जानता हूँ नेटवर्क एक्चुअली इस तरफ चलता था, ये इसका इसका जो था ना नेटवर्क ये एक्चुअली इधर बड़ौदा और अहमदाबाद और इस साइड में चलता था, लेकिन ये जो अभी हमने पकड़ा नेटवर्क दिस इज बेसिकली सौराष्ट्र साइड कच्छ, इट इज अगेन द सेम डिस्ट्रिक्ट मालदा डिस्ट्रिक्ट एंड अक्रॉस द बॉर्डर। ओके बताओ ये अभी हमारे पास रिमांड पे है 12 दिन इसका हस्बैंड तो पहले पकड़ा गया उधर कुवाड़वा पुलिस स्टेशन में। भाई वो हम पूछ के इनसे वो अभी अगर कहीं पड़े हैं तो हम रिकवर करेंगे। नहीं नहीं ऐसा नहीं सर, अगर मेरे अकाउंट से एटीएम पर बोगस नोट देता है मेरे को एटीएम में तो इट मींस के वो यानी कि एटीएम तो क्या अपना बैंक से ही मिले हैं आपको, तो द बैंक हैज टू आंसर कि उनके पास नहीं आजकल मेरे ख्याल सभी बैंकों में चेक होता है। चलो अभी ये सारा देख के देन वील हैव ए यू नो मीटिंग विद द आरबीआई आल्सो, आरबीआई ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे। नहीं नहीं अभी तक और तो मेन यही रूट चल रहा है। और सर नेपाल बॉर्डर जी नेपाल बॉर्डर भी है इस तरह से? एक जो आदमी पकड़ा है ना अभी उसके पास से नेपाल का 1 रुपया मिला है, क्या क्या नाम उसका बताओ? अब्दुल रहमान मौलाना से ये कैरियर पर नेपाल 10 रुपया करेंसी नोट मिला, वो जिसके पास से वो नहीं वो जो ट्रेन के अंदर ट्रैप हुआ है ये वो आदमी ये पकड़ा है नोट से एमा ने असली करेंसी में फर्क है सिक्योरिटी थ्रेड छे एना अंदर आरबीआई अने भारत बने लखेलू होय छे अने एनी विड्थ मां नॉर्मल वेरिएशन होय छे, पहला मां खाली आरबीआई लखेलू छे इंडिया भारत लखेलू नथी, पछी बीजू अहींया आ जे पोर्शन छे अहींया आपणे असली करंसी ने टच करीए तो थोड़ू फील थाय के एमो छे, पछी आ जे छे અહીંયા જે સ્પોટ છે એના ઉપર પણ એના ઉપર એટલું રિલાયન્સ નથી થતો, પછી આ જે સિક્યોરિટી થ્રેડ છે રૂટીનમાં તમે જો ગ્રીન હોય પછી એ ગ્રીન દેખતા હૈ નોર્મલી
और जब उसको थोड़ा ट्रीट करो तो ब्लू हो जाता है, दैट इज इन ओरिजिनल नॉट, तो ये इन डुप्लीकेट नॉट ये ग्रीन ही रहता है। फिर यहाँ पे अंदर एक आरबीआई का वाटर मार्क होता है, तो वो वाटर मार्क है इसमें थोड़ा जो रियल लॉट होता है उसमें बड़ी लेटर्स में होता है, उसमें थोड़ी छोटी लेटर्स में, इतना डिफरेंस है।